जो संवेदन शून्यता की स्थिति आ रही है, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में नर्सिंग होम चल रहे हैं, आए दिन ये घटनाएं आती हैं। आप तो नहीं जाते, आपको तो अपने से मतलब है, हम चूंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमें इंटरप्ट करना पड़ता है, हम जाते हैं चीजों को देखते हैं, एफआईआर दर्ज होता है, बाद में प्रेशर इतना होता है कि उसको कॉम्प्रोमाइज करना होता है। सोच लें, हम मुर्दे से भी मरे हुए इंसान की भी सौदेबाजी हो रही है, वैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं और आज की तारीख में ऐसे डॉक्टरों की फौज आ रही है। सोच लें, थोड़ी सी भी पीड़ा है आपके अंदर तो अपना लक्ष्य बहुत ईमानदारी के साथ चलना, हमको करना क्या है। आप यदि इस मुगालते में हैं कि ये तो मेरे साथ नहीं हुआ, ये तो बगल वाले भैया के साथ हुआ, बगल वाले पड़ोसी के साथ हुआ, इसमें मेरा क्या जाता है, तो ये भ्रम में अपने आप को रख रहे हैं। उसकी आग एक दिन आपके पास भी आएगी, जब आपके साथ भी ऐसा वाक्या होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उन्हें पहले से इसकी तैयारी नहीं की। तो जो भी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, एक क्रिएटिविटी है, डॉक्टर को तो भगवान का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन क्या लगता है कि वो अपने जो दर्जा मिला है उसको वो पूरा कर पा रहा है? यदि वो पूरा करता तो परिजनों के साथ मारपीट की नौबत नहीं आती, आईसीयू में वो मरे हुए मुर्दे के का सौदेबाजी नहीं करता। ऐसा हो रहा है, तीसरी आंख आप खोलेंगे तो ये तमाम घटनाएं आपको दिखेंगी। ये समाज का बहुत भयावह चेहरा, जिसको आप पढ़ा लिखा तबका मानते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर प्रोफेशन वाले लोग जो बहुत घने, जितनी मतलब मानवीयता की जितनी भी घृणा की जाए उसकी पराकाष्ठा पर ये लोग अपने आप को ला खड़े कर दिए। क्या हम ऐसा ही आने वाले दिनों में बनना चाहते हैं? इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। एक दूसरा चेहरा है जो बहुत पॉजिटिव है, हिम्मत और उत्साह से लबरेज हो, ये दोनों चेहरे आपके सामने हैं। अब आपको तय करना है कि आपको किस रास्ते से जाना है। दूसरा चेहरा है, लड़का बहुत गरीब घर से आता है, गांव में पढ़ा लिखा, आईआईटी आईआईएम पास आउट किया, बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी मिली थी, नौकरी छोड़ दिया। उसकी पीड़ा थी कि जिस किसान वर्ग से हम आते हैं, जो बाप सब्जी उगा उगा करके हमारे ट्यूशन का पैसा दिया, उस किसान तबके के लिए हम अपना जीवन न्योछावर करें, और संकल्प के साथ शुरू करता है उस किसान के लिए कि हम आप सब्जी उगाओ, हम उसकी मार्केटिंग करें। और वो लड़का आईआईएम के 25 लाख के पैकेज, आईआईएम से पास आउट होने के बाद 25 लाख के पैकेज को छोड़ करके गांव में किसानों के साथ सब्जी का कारोबार करें। एक चेहरा यानी एक चेहरा आज 3 साल पहले उसने शुरुआत की, पिछले साल का टर्नओवर उसका 8 करोड़ रुपए का, सब्जी के कारोबार, फराटेदार ब्रिज बोलता है, फर्स्ट क्लास कॉलर टाइट और सूट बूट भी पहनता है, और जरूरत पड़ता है तो किसानों के साथ खेत में जाकर के उसको बीज की तकनीक भी बताता है, खेती की तकनीक भी बताता है। कौन रहा है, बीटेक किया, आईआईएम से पास आउट हुआ, आज उसके साथ 5 आईआईएम के पास आउट हो रखे हैं। एक पीड़ा थी उसके मन में, चाहता तो चार्टर्ड बैंक में नौकरी मिली थी, फर्स्ट क्लास एसी गाड़ी, एसी बंगला, कॉलवेल बचाइए तो 2 फर्स्ट क्लास टाई लगाया हुआ ऑफिस बॉय आ जाएगा, सर क्या चाहिए, सब सारी सुविधाएं मिली थी, चाहता तो फर्स्ट क्लास की नौकरी करता, लेकिन उसके मन में ये पीड़ा थी कि जिस बाप ने हमको जहां से पोषण दिया उस पूरे समुदाय के लिए हमें कुछ करना है। हम आप में भी ये संवेदना आ सकती है, संवेदना तो है, मानव स्वभाव से संवेदनशील होता है, ये कृषि की कुछ प्रलोभन और तमाम चीजें उसको संवेदनहीन बना देती है। एक चेहरा यह है, सुब्रतो राय सहारा, नाम सुना है, कहां से शुरुआत किया था, उनकी बुनियाद भी इसी बिहार में पड़ी है, आपको पता है सुब्रतो राय सहारा, उनका ससुराल बिहार में, और जिस समय अपने काम की शुरुआत कर रहे थे, 10,000 रुपये 20,000 रुपये की पूंजी कहां से जुटाई, तो बीबी ने कपड़े बेच दिए, बेच करके दिए, एक स्कूटर खरीदा था और उससे मार्केटिंग की शुरुआत की। आज आज के
बीसीसीआई को हर साल हजारों करोड़ रुपया देते हैं कि मेरा टी शर्ट बने, बस कहां से शुरुआत किया है? अनिल अग्रवाल का नाम सुना है? वेदांता फाउंडेशन के चेयरपर्सन है, अभी वेदांता यूनिवर्सिटी उड़ीसा में बन गई बहुत, और आज की तारीख में केयर्न्स इंडिया को खरीदने के बाद पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र में अंबानी परिवार को पीछे छोड़ दिया अनिल अग्रवाल ने। पटना में कबाड़ी की दुकान थी, 70-80 में गए, कहाँ तक की पढ़ाई की? इंटरमीडिएट तक, मिलर हाई स्कूल से 10th पास किया और कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इंटरमीडिएट पास किया। लालू के बैचमेट हैं, लालू के साथ मिलर हाई स्कूल में पढ़ा करते, कौन लगा कहाँ का अभी है, जिंदा इतिहास है आपके साथ, आप इन चीजों को बार बार स्मरण कर सकते हैं, आपके सामने लोगों ने इतिहास बना रखा है। पोस्टल पार्क में बाबूजी क्या काम करते थे? घोड़ा जो खप्पा नहीं लगता है, अलग अलग ब्रांड का, तो पोस्टल पार्क में खप्पा लगाने का काम करते, और खुद की दुकान थी कबाड़ी की दुकान डाक बंगला के आसपास। आज अनिल अग्रवाल दुनिया के महान, महान नहीं कहें उनको, धनाढ्य लोगों की सूची में अपना अहम स्थान रख रहा है। सब इतिहास आपके सामने है, आप जो चाहें जैसा चाहें, कल की तारीख में कौशलेंद्र भी एक इतिहास पढ़े, सची के कारोबार में 8 करोड़ रुपए का टर्नओवर शुरू हो जाए तो इसमें तो 60% बचत है, 60% सीधा बचत। आज बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बैंक उसको लोन देने के लिए एकदम घर पे आते हैं। कभी आपको पूरा सेटअप देखने की इच्छा हो चले जाइए हनुमान को, देखिए कैसे काम हो रहा है, सारे MBA पास आउट स्टूडेंट्स कैसे काम कर, और कितना आप कहेंगे कि हम, मेरा तो ताल हम पढ़ करके आए हैं IIM से, हम ये सब्जी बेचने वाले के साथ रहेंगे ना, तो मेरी गरिमा के खिलाफ ये तो भाई हम ऐसा कर ही नहीं सकते, आपका ईगो क्लैश होगा। लेकिन वो आराम से सब्जी बेचने वाले के साथ भी बैठता है और IIT कैंपस में जाता है, वहाँ के कैंटीन में बात करने के लिए तो IIT के डायरेक्टर के साथ भी बैठता है, एयरपोर्ट पर जाता है कैंटीन में तो एयरपोर्ट के डायरेक्टर के साथ भी बात करता है, और वही लड़का सब्जी बेचने वाले के साथ भी बैठता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, थोड़ी सी डिग्री हासिल कर ली, थोड़ा सा पैसा हासिल कर लिया, थोड़ी सी उपलब्धि हासिल कर ली, इसका मतलब आप समाज से ऊपर हो, ये भ्रम हमने पाल रखा है। बहुत सारे लड़के को ऐसे मिलते हैं कि शुरू के दिनों में जब केवल पढ़ना पढ़ाई करने आते हैं, साइंस कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो पहुंच जाने के बाद सबसे बात नहीं करते, ये ईगो, अरे भाई ये अहंकार, हम तो पटना साइंस कॉलेज ये वो, हम सबसे बात करेंगे ना, गांव के रहने वाले दूसरे लड़के से बात नहीं करते। ये अहंकार आपके जीवन रूपी नैया को तिर, कोई नहीं बचा सकता है इस अहंकार से, और आज हम सबके सामने यही सच में सबसे बड़ी समस्या है, बाहरी समस्या कुछ है ही नहीं। कोई कहता है कि बेरोजगारी समस्या है, ये तो है ही नहीं, आज की तारीख में तो स्किल्ड मैन मिल नहीं रहा है मेरे भाई, नहीं मिल रहा है। आज की तारीख में आइडिया बिक रहा है, आइडिया पर करोड़ों रुपए का कारोबार हो रहा है, कोई पूछ ही नहीं चाहिए, आइडिया चाहिए, सोच सकते हैं तो सोच लीजिए, आइडिया पर करोड़ों रुपए का कारोबार हो रहा है, थोड़ी बुद्धि विकसित करिए, पॉजिटिव सोचिए। दिल्ली का एक लड़का, अभी हमारे यहाँ कॉरपोरेट मीटिंग हो रही थी तो उसमें बताया जा रहा था कि आइडिया क्या करामात करता है। किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का पास आउट लड़का, बहुत फ्रस्ट्रेट था, दिल्ली में ऐसे ही कहीं पर वो खड़ा था, सोचा क्या किया जाए, कोई नौकरी मिल नहीं रही थी, प्रेशर होता ही है, खर्चा पास आउट हो चुका था, क्या करें। चौराहे पर खड़े खड़े एक आइडिया उसके जहन में आया कि इतनी गाड़ियां 5 मिनट तक चौराहे पर खड़ी रहती हैं, हर चौराहे पर खड़ी रहती हैं। उसने किया क्या कि अलग अलग कंपनियों में जाकर के बात कि आपकी कंपनी का यदि प्रचार हम इतने पैसे में कर दें तो आपको क्या करें, और वैसे प्रोडक्ट को चूज किया जो खासतौर से वैसे लोग इस्तेमाल करते हैं जो अपनी कार से सफर करते हों, जो थोड़े से एलीट क्लास के लोग। इसका उसने थोड़े दिन तक, 1 सप्ताह तक सर्वे किया, अलग अलग शहर के चौराहे पर देखा कहाँ कहाँ बहुत हैवी ट्रैफिक होता है। ये केवल उसका आइडिया की बात कर रहा है, आइडिया कैसे उसको करोड़पति बना दिया, कोई बिजनेस, कोई पूंजी नहीं थी उसके पास, 1 रुपये की पूंजी नहीं थी,
इधर उसने बस, और वो भी सोच इसलिए रहा था कि वो नौकरी की तलाश में किसी प्रवीण के पास वो रुका हुआ था। अब वो जाता है कंपनी के अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनियों के पास और कहता है कि आपके प्रोडक्ट को हम इस रूप में ऐड दे सकते हैं। सबको लगा ये तो मेरा प्रोडक्ट सीधा घर में पहुंच जाएगा, अभी तक जैसे टीवी पर देते हैं या फिर और कहीं पे देते हैं तो कोई देखा कोई नहीं देखा, ये जो आइडिया दे रहा है इसके सहारे तो हमारा प्रोडक्ट उसके घर में जाता है। उसने अलग अलग कंपनियों से लगभग शुरू में 5 लाख रुपये का वो एडवर्टिजमेंट लिया और उसने किया क्या, छोटा छोटा पोस्टर बनाया और सब जो गाड़ियां रुकती थी उसने कार पे चिपका दिया और हर कार को 100 रुपये का 200 रुपये का पेट्रोल कार्ड, पेट्रोल कार्ड जो होता है 100 रुपये का 200 रुपये का पेट्रोल कार्ड देता। इस तरह से करते करते आज की तारीख, और 5 मिनट का कारोबार था, गाड़ियां रुकी ट्रैफिक पे जा करके चस्पा देता था 100 रुपये का पेट्रोल कार्ड देता। कार वाले को लगा कि ये तो मुफ्त में मिल रहा है, पर पीछे पोस्टर चिपका दिया, हमें 100 रुपये का कार्ड दिया, इसमें मेरा क्या है। आज की तारीख में उस लड़के ने एडवर्टीजमेंट के सेक्टर में एम्पायर खड़ा कर दिया मात्र 4 साल। 4 साल में करोड़ों रुपए का कारोबार उसका शुरू हो चुका, पूरा सेटअप तैयार किया, कंपनी शुरू हो गई एडवर्टीजमेंट कंपनी। शुरुआत कहां से किया, चौराहे पर खुद पोस्टर चिपका कर। आज की तारीख में करोड़ों रुपए की कंपनी उसने खड़ी कर, कहां से, उसका 1 रुपए की पूंजी उसके पास।